हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 8 ऑफ आवर सब्जेक्ट इज साइंस। सो इन चैप्टर 8 और यूनिट 4 वी विल डिस्कस अबाउट द सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इन यूनिट 4 वी विल डिस्कस अबाउट क्लॉथिंग सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इन चैप्टर 8 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। मीन्स आज चैप्टर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे सेफ्टी और फर्स्ट एड के बारे में। मीन्स किस तरीके से हमें सेफ्टी रखनी चाहिए खुद की और जो हमारे घर में चीज़ें यूज़ होती हैं उनको, या किस किस तरीके से हम फर्स्ट एड का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एड बेसिकली क्या है? जब किसी को चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद डॉक्टर के पहुंचने से पहले या डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं वो सब क्या है? फर्स्ट एड में आता है। ओके, जैसे आपने किसी को ट्यूब लगा दिया या फिर किसी को बैंडेड लगा दिया या आपने किसी को पट्टी वगैरह कर दिया, वो सब क्या है? सेफ्टी के फर्स्ट एड के एग्जाम्पल्स हैं। सो एक्सीडेंट इज़ एन अनप्लान्ड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच adversely affects our body, health and psyche। मीन्स जो एक्सीडेंट होता है अनप्लान्ड होता है, किसी का प्लान नहीं होता कि हाँ भाई आज मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, अनप्लान्ड है एंड अनएक्सपेक्टेड है। तो अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचता है, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँचता है और साथ में हमारे क्या मोटर स्किल मीन्स ब्रेन को भी नुकसान पहुँचता है। ओके, तो एक्सीडेंट से इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचता है। एंड मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड बाय प्रैक्टिसिंग सर्टेन सेफ्टी मेजर्स एंड रूल्स इन आवर डेली लाइफ्स। डेली लाइफ में एक्सीडेंट का क्या है, किस तरीके से हो जाते हैं, हम जो भी काम करते हैं डेली रूटीन में करते हैं उसी में ही कहीं ना कहीं पे अगर हम थोड़ा सा कहीं पे चूक जाते हैं या फिर हम एक तरीके से कोई किसी भी काम को फोकस नहीं कर पाते, देन क्या होगा, उसी में ही हमसे एक्सीडेंट हो जाता है या हमें उस चीज़ में नुकसान पहुंच जाता है, उस चीज़ से हमें नुकसान हो जाता है। सो बीइंग कॉशियस हेल्प अस इन अवॉइडिंग मिसहैप। इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट का कॉज क्रिएट होता है, दूसरा क्या है, हमें नुकसान पहुँचता है। हेयर फे पिक्चर्स ऑफ एक्सीडेंट। देखिए कार डैमेज हो गया बिल्कुल। एंड व्हेन एक्सीडेंट कॉज देन लाइफ एंड प्रॉपर्टी बोथ आर डैमेज। लोग मर भी जाते हैं और साथ में उनका जो प्रॉपर्टी है साथ में वो भी डैमेज हो जाती है, जैसे बाइक है या फिर कार है। नाउ हाउ वी कीप सेफ्टी इन होम, या कैसे घर पे हम घर में कैसे सेफ्टी रख सकते हैं खुद की या फिर खुद के जो भी अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ की बात करें तो। सेफ्टी एट होम, वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस ऑर्गेनाइज बाय प्लेसिंग थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज़। मीन्स जब भी हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उस सामान को उसी प्लेस पे वापस रख देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो भी सामान जहाँ से उठा रहे हैं उसको वहाँ से छोड़ के कहीं और पे प्लेस कर दिया तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या फिर उससे किसी भी मतलब किसी भी पर्सन को चोट लग सकती है, हर्ट हो सकता है या एक्सीडेंट का कॉज हो सकता है। मिसप्लेस्ड ऑब्जेक्ट लाइक टॉयज कैन कॉज इंजरी इफ़ वी एक्सीडेंटली ट्रिप ओवर देम। कई बार क्या होता है, खिलौने जो बच्चे खेलते हैं, टॉयज खेलते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ पे खेला वहाँ पे छोड़ देते हैं, उस वजह से क्या होता है, कोई निकलता है तो उसके पैर के नीचे अगर वो टॉय आ गया तो क्या होगा, वो एक्सीडेंट का कॉज हो सकता है या उसे चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है। वी शुड एक्सरसाइज, प्रिकॉशन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक आयरन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर एक्सेट्रा। मीन्स जब भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ों को यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे आयरन हो गया जिसको प्रेस बोलते हैं, कपड़े आयरन करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, हेयर ड्रायर है, इनको यूज़ करते टाइम
हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रिक चीज़ है, इससे शॉक जल्दी लग सकता है, तो इसको यूज़ करने के लिए बिल्कुल अटेंटिव रहना चाहिए जब भी हम इनको यूज़ करें। वी शुड नेवर बी बैर फूटेड वाइल हैंडलिंग प्लग्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ को छूते हैं, ओके, तो उस समय हमारे पैर गीले नहीं होने चाहिए, और साथ में हमें क्या करना है, स्लीपर्स या फिर शूज़ का यूज़ करना चाहिए, जिस वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस कम रहते हैं और हम किसी भी काम को प्रॉपरली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव सीन हियर फ्यू ट्रायज आर ऑन द स्टेयर्स, कुछ खिलौने स्टेयर्स पे रखे हुए हैं, जिस वजह से अगर कोई भी निकलेगा तो उसको चोट लग सकती है। अगर आप ऐसे छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आप आज से क्या करिएगा, अपने खिलौने जो भी टॉयज यूज़ करते हैं, देन आफ्टर यूजिंग दैट यू कीप ऑन पर्टिकुलर पोजीशन वेयर यू हैव टेकन, जहाँ से भी आप उठाते हैं वहाँ पे आप उनको रख देंगे। ओके ये एक बच्चा है, मीन्स कार्टून कैरेक्टर लिया है, तो इसमें क्या है, जो ये बच्चा है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक सॉकेट है जो उसमें अपनी उंगली को टच करके देख रहा है, अगर ऐसा करेंगे तो आपको क्या होगा, शॉक लगेगा, मीन्स करंट लगेगा। जो मैंने अभी ट्रायज के बारे में बताया था, जो स्टेट्स पे ट्रायज रखे थे, अगर उस तरीके से ट्रायज रखे होंगे तो कोई भी इस तरीके से गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है। ओके नाउ प्रिकॉशन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कभी भी हम आयरन वगैरह का यूज़ करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, साथ में गर्म भी होती है, और उसको टाइम टू टाइम क्या करना है, हमें उसके स्विच को ऑफ भी कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमें क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता है, साथ में क्या है, हमारे स्किन को भी जला सकता है। ओके तो इनको करते टाइम ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, अभी आपको इस चीज़ को यूज़ नहीं करना है क्योंकि आप अभी छोटे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि हाँ आपके पेरेंट्स किस तरीके से यूज़ करते हैं। ज़्यादा तेज अगर गर्म हो जाएगा जो भी आपका आयरन है, तो क्या होगा, आपके जो क्लॉथ्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, इस तरीके के केसेस भी होते हैं घरों में कई बार जब कोई भूल जाता है। वॉशिंग मशीन में अगर ओवरफ्लो हो जाएगा वाटर, तो वाटर का फ्लो बाहर होने लगेगा, और इससे जो घर में है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलती है, जिस वजह से क्या घर में करंट फैल सकता है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि वैक्यूम क्लीनर किस तरीके से यूज़ करना है, गीले कपड़े या फिर गीले पैर हैं अगर हमारे, तो हमें उसको नहीं यूज़ करना है। हेयर ड्रायर में कई बार आग भी लग जाती है, तो हेयर ड्रायर को बहुत ध्यान से यूज़ करना है। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को जो उसमें ब्लैक कलर का पोर्शन होता है, या फिर फाइबर ऑप्टिकल की जो केबल है, उसमें आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से प्लग को निकालना है, जिससे कि उसका जो अंदर मेटालिक पोर्शन है या फिर जो पोर्शन आपको दिखता है जो प्लग में लगा होता है, उसको आपको छूना नहीं है, उसको दूर से पकड़ना है। कभी भी क्या होता है, केबल अगर कहीं से कट हो जाए या फिर उसमें कोई वायर अगर बाहर निकल आए, तो आप उसको यूज़ ना करें, उसके जगह पे रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें, अदरवाइज़ क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। उसके ऊपर सेलो टेप या फिर पॉलीथीन का यूज़ ना करें, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बाहर आ सकता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर अगर आपने वायर को नीचे डाल दिया है तो फर्श पे भी करंट फ्लो कर सकता है। कभी भी हमें गीले हाथों से अपने स्विच को यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, ड्राई हैंड्स का यूज़ करना है, एंड ऑल्सो वियर स्लीपर्स वेन एवर यू आर यूजिंग स्विच ऑन और स्विच ऑफ द फैन और एनी अदर सॉकेट्स। ओके जब भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको क्या करें, गीले हाथ से कभी भी ना छूएं। We must not touch electric appliances with wet hands
एंड फीट स्पेशली व्हेन दे आर इन यूज़। कभी भी हम जब भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं तो हमें कभी भी अपने गीले हाथ पैर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वाटर के अमाउंट में या फिर मतलब बोल सकते हैं पानी के अगर संपर्क में आएगा देन क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज़्यादा तेज से होगा और शॉक लग सकता है। ओके, वी शुड नॉट प्ले विद नेक्ड वायर इफ़ कैरिंग करंट, दे मे गिव अस एन इलेक्ट्रिक शॉक। मीन्स जब भी हम किसी भी वायर को यूज़ करते हैं या फिर वायर कहीं पे देखते हैं तो उसको हमें हाथ से टच नहीं करना चाहिए। अगर हम हाथ से बहुत पास से टच करेंगे तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इन द किचन वी शुड नॉट प्ले अराउंड विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ ब्लेड एंड सीजर्स। मीन्स कभी भी हमें क्या करना है, इन चीज़ों का यूज़ करना है अगर नाइफ़ का, ब्लेड का या फिर सीजर्स का, तो हमें उनको यूज़ करके प्रॉपर पोजिशन पर फिर से रख देना है, उनके साथ खेलना नहीं है, क्योंकि जब भी अगर हम खेलने की कोशिश करेंगे तो वो शार्प हैं और हमें कट कर देंगे, जहाँ पर भी हमारे लग जाएगा वहाँ पर ब्लड निकलने लगेगा। ये देखिए बच्चा है, ट्राई कर रहा है कि हाँ उसका इलेक्ट्रिक शॉकेट में उसकी फिंगर जाएगी या नहीं जाएगी। अगर ये ऐसा करता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। हाउ टू यूज अप्लायंसेस, अप्लायंसेस को कैसे यूज करते हैं ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यूज करा जा रहा है। इस तरीके से मैं इलेक्ट्रिक सॉकेट्स का यूज करना है, जो भी उसमें प्लग दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर पकड़ के हमें उसे देना है, उसकी वायर को खींचना नहीं है। ड्रायर यूज़ करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें कभी बाथरूम में ड्रायर ना यूज़ करें, क्योंकि अगर बाथरूम में ड्रायर यूज़ करेंगे और उसकी वायर ज़मीन में पड़ी हुई मिली देन क्या होगा, वाटर का अमाउंट आपके ड्रायर के साथ साथ क्या होगा, आपको करंट का भी झटका दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ड्रायर हमेशा घर के रूम में यूज़ करना है, बाथरूम में नहीं। इस तरीके से कभी भी ना करें, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ऐसा करेंगे तो आपके ये जो उसके वायर्स हैं वो लग जाएंगे, उससे ब्लड निकलने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से कभी भी ना करें। ग्राउंड में या फिर कहीं पे वॉल है तो उसको आप क्या करना, निकल के जाना है जो भी प्रॉपर वे है उसका, इस तरीके से नहीं यूज़ करना है। किचन में जो भी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उनको ध्यान से यूज़ करें, अदरवाइज़ क्या होगा, किचन में आग भी लग सकती है। तो फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम वगैरह जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसको ध्यान से यूज़ करें। ग्लास है, ग्लास अगर कभी भी टूट जाता है, शीशा टूट जाता है उसका, तो आप उसे बहुत ध्यान से कैरी करके उसको डस्टबिन में डाल दें, अदरवाइज हाथ कटने का डर रहता है। नाइफ ब्लेड ना स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड पुट ऑफ मैच स्टिक्स बिफोर थ्रोइंग देम अवे। जब भी हम मैच स्टिक को यूज़ करते हैं उसके बाद उसको प्रॉपर पोजिशन पर रख दें, उसको फेंकें नहीं। ओके, जो भी पोजिशन है आप उसको वहाँ पर कैरी कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग को क्या करना है, प्लास्टिक बैग बच्चों से दूर रखने चाहिए, बिकॉज वो क्या करते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग हो गया या फिर कुछ ऐसा फूड प्रोडक्ट जो प्लास्टिक बैग में है, तो आप क्या करें उसको बाहर निकाल के यूज़ करें, प्लास्टिक बैग को निकाल दें, अदरवाइज़ क्या होगा, जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उसके प्लास्टिक के साथ ही उस फूड आइटम को खा जाएंगे। बाथरूम फ्लोर्स मस्ट बी कीप ड्राई एज द टाइल बिकम स्लिपरी व्हेन वेट। बाथरूम के जो फ्लोर हैं वो साफ़ होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, उसमें स्लिप होने के चांसेस रहेंगे। We should not climb and stand on the rails or balcony or the terrace
एज दे इज रिस्क दैट वी मे फॉल डाउन। बॉल्कनी वगैरह पे जो टेरेस है या फिर रेलिंग बना होता है उसके ऊपर कभी भी लटके नहीं, अदरवाइज वहाँ से नीचे गिर सकते हैं। फायर का एग्जांपल दिया है, फायर से क्या है, फायर जो आग है उससे घर में या फिर किचन में कहीं पे भी आग लग सकती है, तो उसको ध्यान से यूज़ करें। ये देखिए फायर, आग लग जाने की वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया है। छोटा बच्चा है, उसको जो भी फूड आइटम्स देते हैं उस केस में क्या है स्टूडेंट्स, जब भी आप भी कोई भी बर्गर या पिज़्ज़ा या फिर रोल वगैरह खाते हैं तो उस केस में क्या है आपको उसका जो रैपर है उसको रिमूव करके फिर खाना है। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ साथ आप उसका जो रैपर है वो भी खाते जा रहे हैं, अगर खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है वो, इस तरीके से स्टूडेंट्स। एक्सीडेंट इन बाथरूम, बाथरूम में क्या होगा अगर वाटर का अमाउंट फ्लोर पे पड़ा हुआ है या फर्श पे पड़ा हुआ है टाइल्स पे तो फिसल के चोट लग जाएगी, तो इसलिए वो फ्लोर भी साफ होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। बाथरूम में नहाने के लिए इस तरीके का मैट आता है, मैट को यूज़ करेंगे तो क्या होगा स्लिपरी एरिया नहीं होगा या स्लिप होने के चांसेस कम रहेंगे, स्लिप नहीं हो पाएंगे, तो ये एक्सीडेंट के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अबाउट बालकनी एंड टेरेस, बालकनी और टेरेस पे इस तरीके से लटकना नहीं है। ये देखिए टेरेस से लटका हुआ है नीचे, इसको पकड़ा हुआ है किसी ने ऊपर चढ़ाने के लिए, तो इस तरीके से कभी नहीं करना है। स्टूडेंट रेस्ट वी विल डिस्कस ऑन टुमारो, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स, रेस्ट टॉपिक्स विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय।